जनपद उत्तरकाशी के धराली में स्थित भगवान कल्प केदार मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर के दर्शन मात्र से चारों धामों का पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहां भी मंदिर समूह स्थापित किए गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फेजर ने अपने वृत्तांत में धराली में मंदिरों में विश्राम करने का उल्लेख किया। इसके बाद सन 1859 में गोमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर और खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने धराली में तीन प्राचीन मंदिरों की फोटो भी खींची, जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ग्राम धराली में कल्प केदार भगवान कल्प केदार के कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर जितने भी भारत आए श्रद्धालु हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसा पहली बार हमारे ग्राम धराली में हुआ, जो हमारे कल्प केदार की भव्यता और दिव्यता का जो हमने एक नया रूप दिया है, जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि समुचित विश्व सराहना कर रहा है। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, ये एक प्रकार का संदेश पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश विदेश और क्षेत्र में देंगे